What's up guys? So good morning. कुछ घंटे के बाद ही आप व्लॉग देख रहे हो क्योंकि हम लोग आप एक दिन बाद देख रहे हो लेकिन हम व्लॉग कुछ घंटों के बाद ही बना रहे हैं। कितना टाइम अभी हम 3 बजे तक तो पैर दबा रहे थे दीदी के और पूर्णिमा के। सो ये इस घर के अंदर आखिरी दिन, पूर्णिमा तो 4 साल से रह रही है, मिक्स फीलिंग है। तो आई थिंक हम मुझे अभी खुद बोला नहीं जा रहा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं 6:30। तो मैं जाता हूँ उस वाले घर में, दिखाता हूँ कैसे पूजा हो रही है। टिल देयर आई विल सी यू देयर, हमारे नए घर में। और हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, पंडित जी भी आ गए हैं और तैयार हैं। पूर्णिमा को साड़ी पहनाना है मुझे, मैं साड़ी पहनाने जाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको। आ जाओ लो भाई, साड़ी पहनते देखो। शादी करने से पहले ये सब चीजें सीखनी चाहिए थी ना, बेइज्जती करा रही हो। चालू करें? ठीक है, बुला। ये हमारा एंटरटेनमेंट जोन, तो यहाँ ज्यादा आशीर्वाद मिले। पूजा तो कंप्लीट हो गई है, पूजा खत्म होने के बाद अब टाइम है पेट पूजा का। पूजा खत्म, पेट पूजा चालू। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या बनाया है घर पे। ये देखिए, सो ये है खाना, पालक पनीर, राइस पूड़ी है वो रखी हुई अंदर, और मिक्स वेज। कैसा लग रहा है इतना कुछ बना के? बहुत कर ली है, प्याज सब्जी काटनी पड़ी मुझे, हैं? प्याज काटनी पड़ी। तुम्हारा पोल खोल दूं क्या मैं? खोल दूं पोल? राइस धोए, बर्तन धोए मैंने। क्या राइस धोए हैं? बर्तन कौन धो रहा है, लाइव दिखा दो वो। बर्तन तो मैं धो रही हूं ना, ये धोएगा बर्तन? इन लोग खाना बाहर से ऑर्डर किया है इन लोगों ने, शर्म नहीं आ रही झूठ बोलने से तुम्हें? शर्म नहीं आ रही? ये एक होममेड फूड बनता है, उन लोगों ने ये पूरा दाल वाल टिफिन बना के भेजा है। देखो कितने झूठे हो भाई साहब, ये दाल है, ये मिक्स वेज है, ये पूड़ी है, झूठे लोग, शर्म नहीं आ रही? दिखा रहा हूँ बाकी का सदस्य कहाँ है। सदस्य है री, और एक सदस्य है री। हाँ जी, नहीं रह गया कुछ तो, गिर गया ये मेंढक, क्या गिर गया? फूल सा लगता है, फूल गिर गया। कुछ नहीं, क्या बोल रहे हो? मैं और ले ली गाइस, हाय मेरी अकेले की नहीं है, तो तुम्हारी भी है तो ले। प्रिय में हैप्पी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। हमारे जीजू के बाद जिनकी बहुत देर से फूल पे नजर थी, और ये फूल की गली पहले हम क्लेयर से बनाते थे ऐसे,
स्लाइड्स टोटल 200 हो गए मिनिमम 100 रख तो किसी का अपना खुद का पता है क्या सो कंफ्यूजिंग मतलब 300 कुछ समझ नहीं आ रहा है और जो फर्स्ट पैसे पैसे भी काउंट कर लो ना कि उस हिसाब से पैसे इधर उधर ना हो शफल समझ रहे हो पहले वाले को तो 50 दे दिए कहीं ऐसा ना हो कि फिर कम से कम 100 तो दो तो उसका अपना निकलेगा ठीक है दीदी दीदी 100 का और लाइंस रखते हैं इतने सारे लोग दीदी फर्स्ट को कुछ तो मिले मैं वो हमें नहीं आ रहा आज हमारी पूजा हो गई अब हम तंबोला खेलने जा रहे हैं बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि पहले कॉर्नर वाले को कितना पैसा मिलेगा लाइन को कितना पैसा मिलेगा और फुल हाउस वाले को कितना पैसा मिलेगा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ये देखो आप डिस्कशन देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है तो भाई गेम खत्म हो गया है और सबसे ज्यादा जो पैसे जीता है ना वो ये है और ये अभी इसको थोड़ा गिल्ट होएगा कितने रुपए जीती हो तुम 700 रुपए जीती है 300 रुपए तो मैं हार में हूँ तू भी हार रहे है ना बीबी को बीबी पति को लूट और मैं हार रहा हूँ 300 रुपए 800 के ऋषिकेश के जीते 100 रुपए भी रख लिए यार ये कोई बात थोड़ी होती है आगे देना चाहिए तुम ये क्या कर रही है तुम्हारी बेटी इसको क्या हो गया अब गेम नंबर 2 ब्लफ मैं और पूर्णिमा जीत चुके हैं सो इट्स डिनर टाइम ये खाना लंगर बट रहा है लंगर मैंने आप लोगों के लिए पूरी टेबल सेटअप कर दी अंदर और आप लोग जाओ मैं आप लोगों को सर्व करूंगा खाना कैसा बना है बहुत टेस्टी आ रहा है पानी दीदी आ रहा है गले में फंस गया क्या कुछ फंस गया है गले में दे दो